पहले के समय में दो दोष नहीं रहते थे घर में, बहुत ध्यान से सुनना, पहले के समय में ये दो दोष नहीं रहते थे। आज के जमाने में पंडितों को पत्रिका दिखाओ तो दो दोष जरूर बताएगा, कौन कौन से, एक तो कालसर्प दोष है, दूसरा पितृ दोष, और तीसरे नंबर पर चल रहा है आज के जमाने में वास्तु दोष। सारे वास्तु शास्त्रियों से पूछ पूछ के, बाथरूम इधर बनवा दी, सीढ़ी उधर बनवा दी, कमरा का हाल वहां बनवा दिया, रसोई घर वहां बनवा दिया। एक बात मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जितने टीवी पर सुन रहे हैं, जितने लोग इस कथा को ऑनलाइन सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा, आपके भी पूर्वज होंगे, आपके भी दादा परदादा होंगे, उन्होंने कोई मकान बनाया होगा तो ईमानदारी से बोलना, किसी किसी वास्तु शास्त्री को लाकर दिखाया था कि यहां पर बाथरूम बनाओ तो यहां पर सीढ़ी बनाओ तो यहां पर किचन बनाओ तो यहां पर हॉल बनाओ तो यहां रूम बनाओ, किसी को दिखाया होगा? नहीं। तो क्या उनके पास संपदा नहीं थी? तुमसे ज्यादा अच्छी जिंदगी तुम्हारे पूर्वज जी कर चले गए, जिनके घर में संपदा की कमी नहीं, जमीन और जायदाद इतनी भरी हुई थी, अंबानियों से धन भरा हुआ था। तुम एक तोला सोना लेने जाते हो तो 50 बार विचार करते हो, उनके घर में सोने का भी अंबार था पुराना, और कोई वास्तुशास्त्री से नहीं पूछा। ये जो तीन दोष हैं, वास्तु दोष, पितृ दोष, कालसर्प दोष, इन तीनों दोष का स्वामी शंकर है। इन तीनों दोष को समाप्त करने वाला अगर कोई है तो शंकर है, और तुम्हारा एक लोटा पानी इन तीन दोष को समाप्त कर देता है, केवल एक लोटा पानी, एक कलश, एक जल पात्र। ये नया फैशन चल गया ना कि मंदिर तुम ऐसी खाली हाथ चले जाओ और मंदिर में से लोटा उठा के मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर शंकर को चढ़ा दो, ये शंकर को ढोंग प्रपंच अच्छा नहीं लगता, ये शिव को नहीं चाहिए। शंकर कहते हैं कि तेरे पास कुछ भी नहीं है तो तेरा दिल, तेरा मन, तेरा चित्त, तेरी वृत्ति मुझे समर्पित कर दे, पर ये प्रपंच नहीं। तीन दोष समाप्त करने के लिए एक लोटा पानी, बस, वो भी घर का। तीन दोष समाप्त, पहला दोष वास्तु दोष, घर के अंदर जहां पानी भरते हो, मटका भरते हो, हंडा भरते हो, घड़ा भरते हो, उसमें से एक लोटा पानी सुबह स्नान करके भर के चल दो। परिंडे में से पानी भरा, मटके में से पानी भरा, जहां पानी भरते हो उस स्थान से पानी भरा, उस स्थान को कहते पितरों का स्थान। एक लोटा पानी जब हमने उसमें से भरा, घर में से लेकर गए, तो पितरों का दोष, घर में से ले जा रहे हैं तो वास्तु दोष, और ले जाकर जब शंकर को चढ़ाया तो काल सर्प दोष। ये तीनों दोष घर का जल शंकर को समर्पित करने से समाप्त हो जाता है, समर्पित कर।